कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव जू की जय। श्री आनंद धाम की जय। श्री राधा जन्म महोत्सव की जय। राधाष्टमी की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागाररत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेषालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। नारायण नारायणाय नमः। नाराय नमः नरोत्तमाय नमः। दिव्यै सरस्वत्यै नमः। व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते। नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनहित दयावलोको। हे भक्तियुक्त सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मते दयामुद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलो श्री राधा रानी की जय। परम मंगल श्री राधा जन्माष्टमी महामहोत्सव आज बड़े मंगल का दिन। श्री किशोरी जी की जन्म तिथि खूब आनंद महामहोत्सव। श्री भगवान की भगवत्ता का सार है
उनका माधुर्य, कृष्ण की मधुरमा ही उनका आनंद तत्व ही उनकी भगवत्ता का सार है। और आनंद तत्व का सबसे बड़ा प्राकट्य प्रादुर्भाव तब होता है जब राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यथा विश्व मोहो भी स्वयं मदन मोहिता। जब श्री श्याम सुंदर राधिका के संग में रहे उस समय वे मदन मोहन होकर के विराजमान, मदन माने राधिका उनको भी मोहित करने वाली होकर के विराजमान, अन्यथा श्री किशोर जी को प्राप्त करने के लिए वे स्वयं मोहित रहते हैं। शक्ति जब प्रकट होकर के अलग उनके साथ में विराजमान होती है तो शक्तिमान की महिमा अधिक बढ़ती है। शक्ति न हो और शक्तिमान हो, शक्ति न हो, हो भी परंतु शक्ति शक्तिमान में प्रकट नहीं हो तब भी पता नहीं लगेगा, उसकी महिमा प्रकट नहीं होगी। जब शक्ति प्रकट है शक्तिमान के साथ तभी उसकी महिमा सामने प्रकट होगी। माचिस की तीली में अग्नि है परंतु प्रकट नहीं है तो उसकी महिमा नहीं है, वो दाहकता प्रकाशकता का काम तब करेगी जबकि अग्नि प्रकट हो जाएगी तो वो दाहक प्रकाशक होगी। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर आनंद रूप हैं, सच्चित आनंद हैं, परंतु आनंद रूप होने पर भी श्याम सुंदर का आनंद अनुभव का पूर्ण विषय नहीं बनेगा। जब वे राधा रानी के साथ में ही जुड़ते हैं तो पूर्ण अनुभव का विषय बनता है। आज उन्हीं राधा रानी के प्राकट्य का दिवस है, बोलो श्री राधा रानी की जय। राधा रानी की ऐसी अपूर्ण आल्हादनी शक्ति, बिल्कुल आल्हादनी शक्ति। अच्छा, शक्ति हो तो शक्ति रहेगी कहाँ? शक्ति सर्वदा सर्वदा शक्तिमान में ही रही, इसलिए शक्ति अलग रह नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में श्री राधा रानी सर्वदा सर्वदा श्याम सुंदर के साथ में ही एकमात्र विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ ही राधा रानी रह सकती हैं, वे अलग नहीं रह सकती। संपूर्ण भारतीय साहित्य की मधुरमा, संपूर्ण भारतीय साहित्य का आनंद तत्व यदि कोई एक शब्द में वर्णन करना चाहे तो वो शब्द श्री राधा ही होगा। रा का तात्पर्य है दान करना और धा का अर्थ है देना, दान, रा दान, दान करना, देना दान, और धा मन धारण करना। हाँ, तो श्री राधा रानी ही हमको प्रेम का दान देने वाली है। श्याम सुंदर जल्दी से प्रेम नहीं देते हैं, राधा रानी जल्दी से प्रेम दे देती हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी वस्तु है और प्रेम का दान देने वाली श्री राधा रानी है। कृष्ण के माधुर्य को प्रकट कराने वाली भी श्री राधा रानी है और हमको धारण करने वाली, हमारे प्रेम की भजन की रक्षा करने वाली भी श्री राधा रानी। राधा, राधाने और धा धारण, धामन धारण करना, किसी को सहारा देना, धारण करना। तो राधा प्रेम को देने वाली, आनंद को देने वाली और हमको धारण करने वाली श्री राधा रानी ही होकर के विराजमान। उनके चरणों के आश्रय के बिना कोई भी कोई वस्तु को, श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। संसार में तीन ही वस्तु हैं, जगत, जीव और ईश्वर। इनमें उपास्य ईश्वर है, ईश्वर का भी परम तत्व माधुर्य है, उस माधुर्य का हमको दान करना और उस माधुर्य को धारण करना, यह श्री राधा रानी का ये विशेष रूप से कार्य है। इसलिए राधा जन्म महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। भक्तों को, भक्तों के प्रेम को धारण करना, उनके भजन को धारण करना
और उनको प्रेम देना, पहले तो प्रेम देंगे, भजन करने की सामर्थ्य देंगे और सामर्थ्य करके भजन करवाएंगे, दोनों चीज करवा करके हमारा पालन करेंगे और हमको देंगे। इसलिए वो राधा शब्द विराजमान है। राधा शब्द का एक अन्य अर्थ है कि राध धातु आती है कहीं साधना के अर्थ में। राध शब्द के यूँ तो बहुत से अर्थ हैं, परंतु राध धातु कहीं साधना के अर्थ में आती है और कहीं सिद्धि के अर्थ में। राध धातु का एक तीसरा अर्थ है, वो है संपत्ति। श्री राधा जैसी संपत्ति श्री कहीं दूसरी जगह नहीं है। वे स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी उनकी अंश रूपा होकर के विराजमान हैं, वृज की संपत्ति अद्भुत होकर के विराजमान हैं। इसलिए राधमा ने संपत्ति, वे संपत्ति स्वरूप होकर के विराजमान हैं श्री। फिर जैसी आराधना श्री श्याम सुंदर के पास में रह करके राधा रानी करती हैं, ऐसी आराधना और कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने के लिए जैसी सेवा श्री राधा रानी करती हैं, श्री विश्वानंदिनी करती हैं, वैसी सेवा कोई दूसरा भी कर सकता है। इसलिए उनका नाम राधा हुआ। माने सबसे बड़ी कृष्ण की उपासना करने वाली यदि कोई हैं तो वे श्री राधा रानी हैं, इसलिए वे राधा कहलाई। एक अर्थ राध माने सेवा या आराधना। अब राध शब्द का दूसरा अर्थ कि सिद्धि। श्री श्याम सुंदर को जैसे आनंद की सिद्धि श्री राधिका के साथ में होती है, ऐसे आनंद की सिद्धि कहीं किसी दूसरी प्रियाओं के साथ में नहीं है। कोई लक्ष्मी, कोई रुक्मणी, कोई सीता, कोई पार्वती, कोई भी भू लीला उतना आनंद नहीं दे सकती है, श्याम सुंदर को परम परम सुख प्रदान नहीं कर सकती है, जैसी उनकी ही अपनी स्वरूपता श्री राधिका के साथ में उनके हृदय में परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसे श्री राधिका को हटा करके यदि कोई दूसरी नायिका को राधिका श्री कृष्ण के साथ में विराजमान कर दिया जाएगा तो श्री कृष्ण को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। उनको परम आनंद की प्राप्ति तभी है जब श्री राधिका विराजमान है। इसलिए वैष्णवों ने एक सिद्धांत निरूपण किया कि जब श्री कृष्ण ब्रज में भी, वृंदावन में भी श्री राधा रानी की कुंज में है, उस समय किसी दूसरी यूथेश्वरी का, चंद्रावली जी, श्यामला जी, पद्मा जी, शैया जी, भद्रा जी, इन किसी का भी ध्यान नहीं है उनको। परंतु यदि किसी दूसरी यूथेश्वरी की कुंज में श्याम सुंदर होंगे तो उनको श्री राधिका की स्मृति सना सना बनी रही। इसे सिद्धि श्री राधिका में ही है, अन्यत्र सिद्धि नहीं। तो राधा शब्द का एक अर्थ हुआ आराधना करना। तन मन धन सबसे श्री प्रिया जी जैसे श्याम सुंदर की आराधना करती हैं, ऐसी आराधना करने वाली कोई दूसरी नहीं है। और प्रेम की सिद्धि जैसी श्याम सुंदर के पास में होती है, ऐसी प्रेम की सिद्धि भी कहीं दूसरी जगह नहीं। अब राध शब्द का एक तीसरा अर्थ है, राध माने संपत्ति। श्री राधा रानी जहां जाएंगी वहां पर सारी संपत्ति अपने आप विराजमान हो जाएगी। श्री राधिका व्रज प्रदेश की स्वामिनी है, वृंदावन की स्वामिनी है, इसलिए श्री वृंदावन अपूर्व संपत्ति से युक्त होकर शोभित हो रहा है। यहां पर श्रेत इंदिरा शश्व दत्तरी जयतिते अधिकम जन्मना ब्रज। श्री श्याम सुंदर ने जन्म लिया और श्याम सुंदर अकेले नहीं आएंगे, श्रेत इंदिरा श्री राधा रानी भी श्री वृंदावन में जन्म लेंगे। तो श्रेष्ठ इंदिरा शश्व दत्तरी, इंदिरा निरंतर निरंतर श्रीमद वृंदावन में ही आप श्रेयति माने विराजमान होती है। जहाँ कृष्ण आते हैं वहां पर श्री राधा रानी भी
आती ही हैं, उनके साथ ही साथ राधा रानी का भी आविर्भाव होता है। कृष्ण अकेले नहीं रहते हैं, राधा रानी के साथ में आते हैं। और जब राधा रानी आई तो उनके उस माधुर्य का दर्शन करके, उनकी महिमा का दर्शन करके आकृष्ट हो करके हमको भी ये सौभाग्य मिल जाए, इस लोभ से लक्ष्मी भी चली आई कि जैसे राधिका की सारी सखियों को श्याम सुंदर के साथ में रास प्राप्त है, क्या मुझे भी श्याम सुंदर से रास मिल जाएगा, ये विचार करके श्री वैकुंठ की लक्ष्मी भी पृथ्वी पर चली आई। लक्ष्मी ये मन में विचार कर रही है कि नारायण और कृष्ण अभिन्न हैं, अतः लक्ष्मी को नारायण के उस स्वरूप से भी अपने नारायण का कृष्ण रूप ज्यादा प्रिय लगता है, इसलिए लक्ष्मी के पातिवृत्ति में कोई खंडन नहीं आता है। लक्ष्मी की एक निष्ठा में नारायण के प्रति उनका जो प्रेम है उसमें कोई दोष नहीं आता है, परंतु दोष न आने पर भी कृष्ण रूप की विशेषता अवश्य प्रकट हो जाती है। कृष्ण नारायण एक है और कृष्ण रूप की विशेषता प्रकट हो जाती है कि श्री कृष्ण रूप में ही लक्ष्मी आनंद प्राप्त करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, अतः श्रेत इंदिरा शश्वदत्री लक्ष्मी यहाँ पर आई। अब जब लक्ष्मी जी आई वैकुंठ से उतर करके कि हमको भी रास प्राप्त हो जाए, तो वैकुंठ की संपत्ति भी आई और वो संपत्ति भी वृंदावन की संपत्ति में मिल गई। तो राज शब्द का एक अर्थ हुआ संपत्ति। जैसी संपत्ति ब्रज में विद्यमान है राधा रानी के पास में, जैसी प्रेम की संपत्ति, फिर जैसी रूप की संपत्ति, गुणों की संपत्ति, और फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर संसार की जो सेवा करने की उपकरण, उनकी जो संपत्ति विराजमान है, सबसे पहले प्रेम की संपत्ति, फिर गुण की संपत्ति, और फिर जो सेवा के उपकरण की संपत्ति, जैसे राधा रानी पर विद्यमान है ऐसी संपत्ति और कहीं दूसरी के नहीं। अतः राध शब्द का अर्थ हुआ, राधा शब्द का अर्थ हुआ जिनमें साधन की पूर्णता, जिनमें सिद्धि की पूर्णता और जिनमें संपत्ति की पूर्णता होकर विराजमान वे श्री राधा रानी, उनका आज जन्म। बोलो राधा रानी की जय। अब हाँ हाँ राजा हाँ मामा ये हाँ। तो भी अब श्री ब्रह्म संहिता में निरूपण किया गया कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्यखलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजाम। बोले हम श्री गोविंद का भजन कर रहे हैं। गोविंद कैसे हैं? बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वे उन श्री राधा रानी के साथ में श्री वृंदावन में गोलोक में निरंतर क्रीड़ा करते हुए श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान हैं। श्रीमद वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए श्याम सुंदर विराजमान हैं। श्री राधा रानी कैसी हैं? बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। आनंद चो चिन्मय रस, आनंद का जो चिन्मय रस है उस आनंद के चिन्मय रस से ही प्रतिभाविता भी माने भी बनी हुई, उनकी अभिव्यक्ति आनंद चिन्मय रस के रूप में ही उनकी अभिव्यक्ति है। अर्थात श्री राधारानी का शरीर कोई पंच धातु का बना हुआ नहीं है, बल्कि वे आनंद, जो आनंद भाव है, आह्लाद भाव है, सच्चित आनंद, आनंद जो भाव है, वो आनंद भाव ही मूर्तिमान होकर के श्री प्रिया जी के रूप में विराजमान है। लीला की श्याम सुंदर का शरीर, श्री राधारानी का शरीर, वृंदावन सखियों का शरीर और सेवा की सारी सामग्री, यह सब आनंद चिन्मय होकर के ही विराजमान है, आनंद रूप है और संधिनी शक्ति से, चिन्मय शक्ति से ही वे विराजमान हैं। ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी। अब ये श्री राधारानी अकेली नहीं है, वे श्याम सुंदर की इतने प्रकार से सेवा करना चाहती हैं
कि उनकी सीमा नहीं है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसीलिए श्री राधा रानी भी जितने राधा रानी के भाव उतने ही भाव मूर्तिमान सखी और गोपी बन जाते। तो जितने भी कहने के लिए कह दिया गया 30 करोड़ जो गोपी हैं, 30 करोड़ गोपी उनके साथ में श्री श्याम सुंदर विराजमान, ये केवल एक संख्या मात्र जो अधिकता दिखाने के लिए कह दी गई, कोई सीमा नहीं है, ये सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है राधा रानी के हृदय में जितने भाव हैं उन सारे भावों को वे भाव ही मूर्तिमान होकर के अनेक अनेक गोपियों के रूप में विराजमान हुए हैं। उन अनेक अनेक गोपियों के रूप में वे सारे भाव विराजमान हैं, 300 कोटि गोपियों के रूप में वे भाव ही गोपी बनकर के विराजमान हैं। वे किसी सीमित स्थान पर भी नहीं है, कहाँ निवास कर रही हैं? गोलोक में। गोलोक दो हैं, एक गोलोक है सबके ऊपर, वैकुंठ के भी ऊपर साकेत, साकेत के ऊपर भी द्वारका, द्वारका के ऊपर भी मथुरा, मथुरा के ऊपर भी ब्रज, ब्रज के ऊपर भी ब्रज में निकुंज शिव वृंदावन। तो एक गोलोक हुआ वो गोलोक, और दूसरा गोलोक उसी गोलोक का और इस गोलोक में कोई अंतर नहीं है, जहां हम बैठे हैं अधूर्धतया भेद है, वो ऊपर है ये पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर इस समय दिव्य कमल के रूप में श्री गोलोक विराजमान है। तो हाँ, जैसे जल के ऊपर कमल आ गया, जल यदि सूख भी जाएगा तब भी वो दिव्य कमल समाप्त नहीं होगा, ऐसे ही शिव वृंदावन कभी समाप्त होने वाले नहीं है, ये वृंदावन दिव्य कमल के रूप में ही निरंतर निरंतर विराजमान है। तो गोलोक एवं निवसत, श्री राधा रानी गोलोक में ही निवास करती हैं, ऐसे श्री राधा रानी का आज जन्म श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। उन राधा रानी के साथ में जो श्री श्याम सुंदर परम सुंदर शोभा को प्राप्त होते हैं उनकी हम वंदना करते हैं। गोविंद माधव पुरुषम तमहम स्मरामि। श्री राधा कृष्ण दोनों एक होकर के विराजमान हैं, श्री दोनों अलग अलग नहीं हैं। गोपालोत्तर तापिन्याम या गांधर्वीत मिश्रता राधेत्य ऋग परशिष्टे माधवेत सहोदिता। गोपालोत्तर तापनी में श्री राधा रानी को ही गांधर्वी नाम से कहा गया, वो ही श्री राधिका होकर के यहाँ पर प्रसिद्ध हुई हैं। श्री राधा कृष्ण दोनों एक होकर के विराजमान हैं। श्री राधिका की महिमा, हाँ दोनों जगह विराजमान हैं, अप्रकट वृंदावन में भी हैं और हमको नहीं दिख रही हैं, हमको अभी कृपा करने के लिए ये राधा श्याम सुंदर के रूप में साक्षात दर्शन दे रही है, परंतु अप्रकट लीला में यहाँ पर भी श्री राधा रानी विराजमान। राधा रानी और कृष्ण दोनों एक हैं, जो वहाँ पर गोपालोत्तापनी में राधा रानी का एक नाम दिया गया गांधर्वी, गांधर्वी, हाँ गांधर्वा या गांधर्वी, गांधर्वी का गांधर्वा, ये राधा रानी का एक पुराना वैदिक नाम है। बाद में पुराणों में राधा रानी का नाम दे दिया गया राधा, पुराणों में उनका नाम राधा हो गया, पहले मूल नाम उनका जो था वो गांधर्वी था। और फिर ऋग्वेद के परिशिष्ट भाग में राधिया माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु, ऐसा कहकर के श्री राधा रानी का नाम दे दिया। श्री राधिका की महिमा का गायन करते हुए एक बड़ा सुंदर श्लोक बृहद गौतमी तंत्र में और रुद्र यामल में उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला एक श्लोक वर्णन किया गया कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। श्री राधिका देवी है, देवी का मतलब है कि द्योतमाना सुंदरी,
देवी शब्द, देवी द्योत माना सुंदरी, देवी शब्द का तात्पर्य है चमकीली सुंदरी, परम सुंदरी होकर के विराजमान है। जो प्रेम का दान करें उनका नाम देवी, जो द्योतित हों चमकीली हों उनका नाम देवी। वे कृष्णमयी, कृष्ण और राधिका ये दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। जैसे बाल एक है, बाल बालों का समूह एक है, परंतु श्री सखीगण श्री किशोरी जी के केशों को दो भागों में बांट करके जैसे फिर उनको गूंथ देती हैं, इसी प्रकार श्री आनंद तत्व प्रेम तत्व एक होकर के विराजमान। वो प्रेम तत्व ही मानो आश्रय और विषय दो रूपों में परिणत होकर के, आश्रय और विषय दो बन करके वही विराजमान हो जाता है। श्याम सुंदर हो जाते हैं प्रेम के विषय, राधा रानी बन जाती हैं प्रेम की आश्रय, और आश्रय विषय होकर के वह एक तत्व ही दो होकर के विराजमान हो जाता है, दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान है। हाँ अभी, हाँ तो अभी अभी श्रीराधा की जन्म की कथा कहेंगे। हाँ हाँ अच्छा, तो श्री राधिका इस प्रकार सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांत सम्मोहिनी पर श्री राधारानी अवतार काल में श्री राधारानी आप विराजमान हैं। अवतार काल में भक्तों की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भक्तजन उनके हृदय में दो तरह के भाव प्रकट होते हैं, कभी अप्राप्ति का भाव, कभी प्राप्ति का भाव, कभी सिद्धि का भाव, और कभी भोग का भाव। ये चार भाव प्रकट होते हैं। श्री राधा रानी का भी जब जन्म नहीं हुआ तब सारे ब्रज को बड़ी, श्री विश्वान बाबा उनको बड़ी उत्कंठा। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि रावण के श्री बिंदु नाम करके एक राजा थे। रावण जो राज्य है, छोटे छोटे से राज्य हैं ये ब्रज के, जैसे महावन के राजा श्री परजन उनके पुत्र हुए श्री नंद बाबा, ऐसे ही रावल क्षेत्र के राजा हुए, यमुना जी के प्रतिपाल रावल, रावल के राजा हुए श्री बिंदु, बिंदु रावल, रावल जहाँ राधारानी का जन्म हुआ, नाना के यहाँ भी जन्म हुआ राधारानी का, हाँ रावल, ये यमुना जी के प्रतिपाल है रावल। तो वहाँ के बिंदु नाम करके एक राजा थे, उन बिंदु राजा के यहाँ पर दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई, एक कीर्तिदा और एक कीर्तिमती। श्री कीर्तिदा बाद में विश्वान बाबा को ब्याही, विश्वानपुर के जो राजा थे बरसाने के उनको विवाही, और जो कीर्तिमती हैं वे विश्वान बाबा के छोटे भाई सत्यभान, उन सत्यभानु को कीर्तिमती विवाही। श्री विश्वान बाबा का वंश, विश्वान बाबा के पूर्वज हैं मही भानु, ये मही भानु और सुषमा ये नंदगांव के राजा हैं, श्री नंद बाबा श्री परजन्य महाराज नंद बाबा के पूर्वज, और विश्वान पर्वत जो हैं उनके राजा हैं, विश्वानपुर के उस गांव के उस क्षेत्र के राजा हैं श्री मही भानु, पहले नंद बाबा के बहुत, श्री विश्वान बाबा की बहुत पहले उनके पूर्वज मही भानु, और उनकी सुषमा नाम करके पत्नी हैं, और उन मही भानु में दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक विश्वानु और एक सत्य भानु, दो भाई उत्पन्न हुए। इनको ही क्रम क्रम करके बिंदु महाराज की जो पुत्री हैं वो बिंदु महाराज की पुत्री कीर्तिदा और कीर्तिमती, ये दोनों दोनों भाइयों को
ब्याही। श्री विश्वभानु को कहा जाता है लव और श्री सत्यभानु को कहा जाता है कुश। ऐसे माना जाता है कि लव कुश के ही दोबारा स्वरूप होकर के विश्वभानु और सत्यभानु ये दोनों के दोनों विराजमान। श्री विश्वभानु महाराज उनके उनका विवाह जिस समय कीर्तिदास जी से हुआ है, कीर्तिदा मैया से, उन कीर्तिदा मैया में इनके यहाँ पर अभी कोई संतान उत्पन्न हुई नहीं है। इनके यहाँ पर एक बार दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने ये कहा कि यदि तुम त्रिपुर सुंदरी की आराधना करो, ये लोकवत लीला है कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करो, तुम्हारे यहाँ पर सुंदर कन्या का जन्म होगा और उसका बड़ा नाम होगा अवतार काल में। तो श्री विश्वभानु बाबा ने उस समय योग माया की आराधना की, त्रिपुर सुंदरी उनकी आराधना की और आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन श्री भगवती ने योग माया ने इनको दर्शन दिया त्रिपुर सुंदरी ने और कहा तुमको जो चाहिए वो वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, हमारा सुंदर नाम चले ऐसी संतान हमको प्रदान करो। तो श्री त्रिपुर सुंदरी ने योग माया जी ने इनको आदेश प्रदान किया कि तुम्हारे यहाँ पर श्रीराम नाम करके एक पुत्र और श्री राधिका नाम करके एक लाली का जन्म होगा। इनकी ही एक छाया एक लाली और हुई कुंडलता भी जो लीला का समाधान करने वाली है। तो वे मंजू लता, ये मंजू श्यामा या मंजू लता नाम करके एक कन्या होगी। तो तीन संतान तुम्हारे उत्पन्न होंगे, राधा श्री श्रीदामा और मंजुलता। मंजुलता भी कहीं श्री राधिका की छाया रूपा होकर के विराजमान, मुख्य रूप में तो नहीं है, मुख्य रूप में दो ही हैं श्री लीला में, एक तो श्री श्रीदामा और एक श्री राधिका, ये दो संतान इनके यहाँ पर उत्पन्न होंगी। ये श्री विश्वभानु बाबा ने जब भगवती की आराधना की तो देवी जी ने उनको श्री त्रिपुर सुंदरी ने विद्या ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री सत्यभानु और कीर्तिमती इनमें कुंदलता का जन्म हुआ है और विश्वभानु में सबसे पहले श्रीदामा का जन्म हुआ। श्रावण कृष्ण तीज के दिन श्री विश्वभानु बाबा जो हैं उनके यहाँ पर श्रीदामा का जन्म हुआ है और उसके बाद में 13 महीने बाद श्री विश्वभानु बाबा के यहाँ पर कीर्तिधाम में श्री राधा रानी का जन्म हुआ आज के दिन। बोलो राधा रानी की जय। अभी तो श्री विश्वभानु बाबा यमुना जी के किनारे गए, नित्य यमुना जी के किनारे जा रहे हैं और वहाँ पर ही कमल के फूल के ऊपर श्री परम सुंदरी बालिका उसको इन्होंने देखा। कमल पुष्प लेने के लिए जैसे ही उतरे वैसे ही कमल के ऊपर परम सुंदर जो बालिका हैं वो बालिका इनके इनको मिली हैं और उनको श्री विश्वभानु बाबा लेकर के आए, कीर्ता मैया को जो प्रदान किया, कीर्ता मैया अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। तो श्रावण कृष्ण तीज के दिन श्री श्रीदामा का जन्म और उसके 13 माह 17 दिन बाद फिर अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जो है उनको जब यमुना जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो यमुना जी में परम सुंदर कमल, उस कमल के बीच में ही एक बालिका को दिखा और आकाशवाणी भी हुई कि ये तुम्हारी बालिका है, इसको ग्रहण करो। और उसको जैसे ही ग्रहण किया ऐसे ही अपूर्व रूप से आनंदित होकर के विराजमान हुआ।
सरोवर यह यमुना जी की सब जगह ही है वृंदावन में, जितने भी नदी हैं सब जगह यमुना ही मानी जाएगी, परंतु बरसाने में तो यमुना जी नहीं है, परंतु कहीं सरोवर में गए वहाँ पर, हाँ है तो यमुना जी की बनी, यमुना जी की बनी, यमुना जी। तो श्री बाबा को, विश्वांग बाबा को उस समय परम सुंदरी बालका जो है वो बालका की प्राप्ति हुई। श्री राधिका उनके जन्म के पहले, फिर 27 दिन पहले श्री ललिता जो है उनका भी जन्म हुआ है। ललिता जी का जो गोप हैं उनके उनके आप जन्म हुआ श्री ललिता जी, इनकी बिशोक नाम करके कोई गोप हैं उनकी, और शारदा ये शारदा मैया जो है वो कीर्तिदा जी की ही मौसेरी बहन है। शारदा और कीर्तिदा ये दोनों मौसेरी बहन हैं, और उनमें ललिता जी का श्री शारदा जी में और विशोक इनके भीतर जन्म हुआ है, विशोक गोप और शारदा जी का, परंतु 27 दिन पहले जन्म हुआ, नक्षत्र वो ही आ गया, तो नक्षत्र के हिसाब से श्री ललिता सप्तमी को ललिता जी का जन्म, जैसे कल ललिता जी का जन्म हुआ आज, तो लगता ये है कि एक दिन पहले, परंतु एक दिन पहले नहीं है, तत्त्वतः जन्म जो है वो श्री ललिता जी उनका वो 27 दिन के बाद में 28वें दिन नक्षत्र आता है, इसलिए श्री ललिता राधिका से 27 दिन छोटी होकर के, माने आगामी 27 जो है वो 27 दिन के बाद में, 28 नक्षत्र होते हैं तो 28 नक्षत्र में 28 दिन के बाद में फिर श्री ललिता जी का जन्म हुआ, परंतु नक्षत्र वही है, इसलिए श्री राधिका जन्म के साथ ही साथ में श्री ललिता जी का जन्म भी मना लिया जाता है। नक्षत्र के हिसाब से वे 27 दिन छोटी, और वो नक्षत्र पहले दिन ही आ गया था, उसी दिन आ गया, इसलिए तिथि के हिसाब से उसको मनाया। ऐसे श्री राधारानी विराज, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हाँ हाँ बस बस, तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधारानी जो हैं उनका रासे सम्भुही बोलो के दधाव हरे पुरा तेन राधा समाक्षाता पुराविद द्वियुत भी ही। श्री रास में श्याम सुंदर जिस समय विराजमान थे उस समय श्री राधारानी जब गोलोक में रास के भीतर विराजमान थे रास मंडल में, उसी समय उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, और मंडल में जो प्रकाश फैल रहा था वहाँ पर एकाएक दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया, और वो स्वरूप ही दौड़ करके आया और श्याम सुंदर के बाएं भाग में गोलोक में विराजमान हो गया, बाएं भाग में कृष्ण के बाएं भाग में राधारानी विराजमान हो गई। तो रा का अर्थ है रास और धा का अर्थ है दौड़ना, राधा रामाने रास और धामाने दौड़ना, दौड़ना भागना। तो श्री राधारानी दौड़ करके कृष्ण के पास में विराजमान हो गई, इसलिए उसी समय श्रुतियों ने आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि ये रास मंडल में दौड़ करके कृष्ण के पास आकर के खड़ी हुई हैं, इसलिए इनका नाम राधा होगा, तो उनका नाम राधा होकर के विराजमान हुआ। और ब्रह्मवीर पुराण में यही वर्णन किया गया कि रासे संभुई रास में उत्पन्न होकर के और दधाव हरे प्रति जो श्री कृष्ण के प्रति दौड़ करके आए हैं उनका नाम राधा, वे ही राधा होकर के विराजमान।
ऐसे ही गोलोक में भी आज के दिन में ही जन्म हुआ और प्रकट में भी वे ही श्री राधिका श्री विश्वान बाबा को जो त्रिपुर सुंदरी हैं उनकी कृपा के द्वारा उनको भी वे श्री राधिका प्राप्त हुई। और बाबा जिस समय गए उस समय जो बालिका हैं वो बालिका प्रकट हुई हैं कमल के ऊपर। श्री बाबा उन कमल की बालिका को लेकर के जिस समय आए श्री कीर्ति मैया को प्रणाम किया, कीर्ति मैया की गोदी में वे अपूर्व विराजमान, राधा रानी की अपूर्व शोभा, उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए, जहाँ चिक्रीडया रजस रंजित सूत्र नद्ध गोकर्ण मात्र चिकुरा, जहाँ श्री राधिका नवविद्ध करना सेम को तत्प्रवर कौशल विभ्रमाणी राधे द्यगीष्ट बद बैर जितम जगायो, श्री राधिका श्याम सुंदर को भी जीत लेने वाली होकर के विराजमान हैं। छोटी सी श्री नंद महोत्सव जिस समय हुआ, श्री राधारानी का जन्म हुआ, राधारानी के जन्म के लिए तीन तरह की धारणाएं हैं। किसी कल्प में श्री राधिका एक वर्ष पहले श्याम सुंदर से एक वर्ष बड़ी श्री राधारानी विराजमान हैं, ये कहीं कहीं किसी किसी कल्प में धारणा है। कुम्मन दास गिरधर आवेंगे आगे पठे दई, ऐसा कुम्मन दास जी का एक पद है और उसमें ये भावना प्रकट की गई कि श्री राधिका पहले प्रकट हुई एक वर्ष पहले। अन्य जितने भी संप्रदाय हैं पुष्टमार्ग के अतिरिक्त अन्य जितने भी संप्रदाय हैं वे श्री राधिका को रस की दृष्टि से प्रकट लीला में भी एक वर्ष बाद मानते हैं। जिस समय श्री राधारानी का जन्म हुआ एक वर्ष के श्याम सुंदर को लेकर के भी श्री यशोदा जी उस समय रावण में गई, दोनों सहेली मिली हैं यशोदा और कीर्ति मैया, कीर्ति मैया यशोदा मैया दोनों की दोनों मिली, और कीर्ति मैया यशोदा मैया दोनों गले लग के कीर्ति मैया कह रही हैं बोली अरे यशोदा बड़े दिन में आई तो तेरे तो दर्शन ही ना हो, तो उससे तो बहुत बात करनी है। श्री कीर्ति मैया ने यशोदा जी की गोदी में जो बालक था श्याम सुंदर उनको अपनी गोदी में ले लिया है, अपने हृदय से लगाया, बोले अरे तो उससे तो बहुत बात करनी है, और ऐसा कहकर के श्याम सुंदर को राधा रानी जहाँ पर पलना में सो रही हैं उनके पास में ही श्याम सुंदर को शयन करा दिया। श्री श्याम सुंदर और श्री प्रिया इनका पलना में ही जैसे प्रथम मिलन हो गया है, चातुरक्षित प्रीति चौनजरा वहाँ पर पलना में ही जैसे मिल गई, परम परम आनंदित होकर के विराजमान हुए। जब तक दोनों मैया पास में रही तब तक तो बालक रहे। श्री यशोदा बोली अरे कीर्ति तेरे संग में तो बहुत बात करनी है, बहुत दिन में मिली है, चल अपन बात लगाएं, तो ये दोनों तो गई और गप लड़ाने में लग गई, बहुत दिन में सहेली मिली है तो गप लड़ा रही हैं। और इधर श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों नव युवक होकर के नव किशोर होकर के आप विहार कर रहे हैं, यहाँ पर नित्य किशोरी होकर के ही श्री राधिका विराजमान। अतः जब श्री राधारानी का जन्म हुआ उस समय सारे ब्रजवासी आनंदपूर्वक गायन कर रहे हैं राधा प्यारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो, वृषभान दुलारी ने जन्म लियो, वृषभान दुलारी ने जन्म नित्य किशोरी ने जन्म लियो, नित्य किशोरी है बालक अवस्था में भी नित्य किशोरी, तो नित्य किशोरी ने जन्म लियो है, वृंदावन बारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है। संपूर्ण ब्रज में अपूर्व महामहोत्सव हुआ, सब लोग आनंद पूर्वक बधाई गायन कर रहे हैं। आज विश्वान गोप के द्वार साहब विश्वान गोप के द्वार पर गायन करते हुए आनंद पूर्वक आए, बड़ो भागी दधकारो भयो, दधी की दूध की अपूर्व सब उछालते भय विराजमान,
और सब राधा प्यारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है कहकर के आनंद। श्री नुकुंज मंदिर में भी श्री किशोरी जी के जन्म के दिन के ऊपर सारी सखी परम परम आनंदित, और वहाँ पर सब सखियों ने श्री प्रिया जी का दूध से अभिषेक कराया, गोरस से अभिषेक कराया है, अभिषेक करा करके परम आनंद पूर्वक विराजमान हुई और अभिषेक करा करके श्री प्रिया जी को नव वस्त्र धारण कराए, विराजमान हुए नुकुंज मंदिर के दरवाजे के ऊपर, गोबर उनमें सीख पीरी उनको धराई हैं, सुंदर साथिया उन साथियाओं को धारण कराया गया, श्री प्रिया जी का भी विशेष श्रृंगार, और आज श्री लाल जी भी श्री नुकुंज मंदिर में प्रिया जी का जन्मदिन है परम परम आनंदित होकर के विशेष श्रृंगार धारण करके विराजमान। तो जन्म लीला वो है भौम वृंदावन में, और जन्म उत्सव ये श्री गोलोक में, जन्मदिन महोत्सव ये सारे त्रिलोकी में, और जन्म लीला वो किसी जहाँ पर कृष्ण के अवतार हो रहे हैं वहाँ अवतार काल में, एक वर्ष पश्चात श्री प्रिया जी उनका जन्म उत्सव हुआ, नहीं जन्म लीला हुई, और जन्म लीला में भी महामहोत्सव श्री नुकुंज मंदिर में। श्री प्रिया जी की जितनी भी सखी वे कह रही हैं, बोले किशोरी जी आज आपका जन्मदिन है, बधाई बधाई, हम आपको प्रणाम कर रही हैं, देखो उस ब्रह्मांड में आपका जन्म हो रहा है, सब प्रकट लीला में जिस ब्रह्मांड में जन्म हो रहा है, बोले उस ब्रह्मांड में जन्म हो रहा है, बोले हम भी यहाँ नुकुंज मंदिर में क्यों नहीं जन्म मनाएंगे। तो नुकुंज मंदिर को भी सब ओर से सुंदर सजाया गया है, समझे, नहीं कहीं एक महीने एक, एक, एक साल से कुछ कम, नहीं एक एक वर्ष कृष्ण जन्म, तो कहीं कहीं ऐसा है, कहीं एक वर्ष का अंतर है, कहीं एक वर्ष पहले है, कहीं एक वर्ष बाद में, और भादो में ही तो कृष्ण का जन्म, भादो में ही इनका तो एक महीने का ही अंतर है, एक महीने का एक वर्ष का ही अंतर है, और मेघई मेघोन्मरम बंधो श्यामास्तमालमयी श्री गीत गोविंद में भी दोनों भाव प्रकट किए, एक वर्ष बड़ा भाव भी एक वर्ष छोटा भाव भी। श्री राधा रानी बड़ी हैं, कभी श्याम सुंदर बड़े हुए और डर रहे हैं, और इतने में खेलती खेलती राधा रानी आ गई, तो श्री नंद बाबा ने कहा कि तुम दोनों जन चले जाओ, कृष्ण डरते हैं, तुम दोनों संग संग चले जाओ। उस समय श्री नंद बाबा पधारे, नंद बाबा इस तरह से श्री मेघई मेदुर्मरम बनभव श्यामास्तमालद्रुमयी नक्तम भीरुवयम त्वमेव तदिमम राधे गृहम प्रापयो इत्थम नंद निर्देशितश्चलित हो प्रत्यज्ञ कुंज द्रुमान राधा माधव योर जयंती यमुना कूले रह केले। श्री राधा माधव की अपूर्व केली यमुना कुंज में विराजमान, आप नित्य बिहारी होकर के बिहार करते हुए, ये ब्रज रस की एक विशेषता कि यहाँ पर श्री वृंदावन में कैशोर में भी कैशोर इतना प्रबल है कि वो सब काल में उदय हो जाए, बाल्य काल में पलना में भी कैशोर उदय हो जाए, बाल्यला पौवन्य अवस्था में भी कैशोर प्रकट होकर के विराजमान, और नित्य कैशोर में ही श्री प्रियालाल विराजमान हैं। बोलो राधानी की जय, उनके जन्म महोत्सव की जय, श्री भुषवान बाबा की जय, श्री कीरत मैया की जय, श्री रावल गांव की जय, श्री भुषवान गांव की जय, श्री बरसाने धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री रासलीला की जय, रासेश्वरी की जय, श्री राधा रानी के जन्म महोत्सव की जय, जय जय श्री राधे।